सिस्टम ना हो रहा है। अरे उन्हें लगा होंगे, लगा होते हैं, लगा होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्ध विलास राय। दोस्तों जैसा कि आप ये इंजन देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत स्टार्ट हो रहा है, पर इसके बाद जो है इंजन अपने आप बंद हो रहा है। तो इंजन की जो सप्लाई है वो भी सही है, और इंजन का जो तेल है ना वो भी सही है, कंप्रेसर भी सही है, फिर भी ये इंजन जो है स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो एक दूसरे मिस्त्री ने बनाया था कल, उसने क्या किया कि पंप भी चेंज कर दिया, नोजल भी चेंज कर दिया, नया सब कुछ डाल दिया, डिलीवरी वाल भी चेक कर ली, फिर भी जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे आया था, मैं भी आया था, मेरे पास ही था, तो मैं और पापा दोनों आए थे देखने के लिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मैंने कैसे इसको सही किया। एडजस्टिंग से ही हम एडजस्ट करेंगे, बस बहुत बड़ी दिक्कत होती है जब सब कुछ सही होता है फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो इसमें भी ऐसा ही सीन है, मतलब जैसे तेल की सप्लाई भी सही है, सब कुछ भी है, स्टार्ट होके थोड़ा सा बंद हो रहा है। तो मैं इसके एडजस्टिंग का बनाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों मैंने इसकी एडजस्टिंग इस तरह बनाई है, देखिए मैं रुक रुक थोड़ी सी, ये जैसे हम पंप दबाते हैं ना ऐसे, मतलब करके जैसे पंप ये जो है ना दबाएंगे तो एक वाशर कितना दबना चाहिए, मतलब ये जो है ना ये एसी में एक ये देख सकते हैं, मतलब एक के इतना गैप आ रहा है ये। तो हम एक इतना एक जैसे हम पंप नीचे दबाते हैं ना तो एक या दो सिम दब रहा है। तो उसके बाद मैं टाइट करके फिर देखते हैं क्या है। तो मैंने इसकी जो नट है वो टाइट कर दी है, अब देखते हैं थोड़ा सा तेल की सप्लाई एक बार चेक कर लेते हैं फिर आगे का जो है करते हैं। भाई तो डरात है कि उड़ा दही भाई गए तेल ऑल सप्लाई सब आओ थी पर स्टार्ट नहीं हो रहा। तेल की सप्लाई सही है, कंप्रेसर भी सही है। और दोस्तों मैंने एक ब्लॉग का चैनल भी बनाया है जिसमें अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो डाली है जो हमारे यहाँ अतर्रा है, उसके बारे में मैंने कुछ दिखाया है। तो जाइए अपना सपोर्ट करिए, वहाँ भी जैसा सपोर्ट आप इस चैनल में दिखा रहे हैं वैसा ही सपोर्ट उस चैनल में भी दिखाइए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी पिन करके दे दूंगा। तो आप जाइए इस पहले उस वाली वीडियो को देख लेना और इसके बाद इसको देख लेना, इसको तो देख ही लोगे आप। नहीं कैमरा भाई का बढ़िया है, जाकर बिल्कुल झका के दिखा था ये जाकर जा है भाई ने किताब से दिखा है वही बाद में कैमरा में कहीं दिखा दे। हाँ बिल्कुल फिट दिखा था, देख ले नोजल सही ना हो जाम है नोजल, खोल ले पंप आ कट कट बोल दे, खोल ले खोल ले नोजल बस खोल। तो दोस्तों कारण ये है कि आपने कट कट का साउंड जो है सुनना है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। कट कट का साउंड तो आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि नोजल जो है हमारा चल रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। नोजल
मेरे हिसाब से इसका नोजल जो है वो जाम है। तो चलिए मैं देखता हूँ क्या सीन है। चलो तो इसको खोल लेते हैं। वो जो कट कट का साउंड होता है ना, वो जैसे पंप होता है ना, वो मतलब जैसे नोजल जाम हो जाता है ना तो पंप से आने लगता है वो कट कट का साउंड, यानी पंप दबने लगता है ना, तभी ऐसा होता है। और आप इन्हें तो जानते ही हैं, मेरे पापा हैं। हालांकि नोजल मैंने बाहर चेक किया, शायद वीडियो मेरा बंद रह गया, तो नोजल बाहर चल रहा है, पर जैसे अभी हमने स्टार्ट किया था तो कट कट का साउंड आ रहा था। मैंने बाहर नोजल चेक किया था। शायद वीडियो मेरा रुक गया था, मैंने ध्यान दिया नहीं, नहीं तो मैं दिखाता बाहर आपको, दिख तेल बाहर जो है बिल्कुल कोई भी साउंड नहीं था और बढ़िया दे रहा था तेल। चलिए देखते हैं जो भी होता है। और सबसे बड़ी समस्या, तेल भी दे रहा है और कंप्रेसर भी है, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो फिर कैसे सही? कैपला ग्रांडे पिपाल चिटक जाएगा ना, चिटके इतना जल्दी। स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट किया फिर भी नोजल जो है इसका जाम हो रहा था। लेते पकड़े रहे, खोल। हाँ ये देखा है नोजल। इतना साउंड पहले कहाँ होता है, नोजल बंद हो जाता है। खोल तो देख रहे हैं कि मैं जैसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ तेल भी बाहर दे रहा है, फिर भी नोजल जो है जाम हो जा रहा है इसका। मतलब जैसे हम लगाते हैं तो नोजल अपने आप जाम हो जाता है। मतलब कट कट का साउंड एक आ रहा है, वो आप देख रहे हैं। चलिए देखते हैं जो भी है। दोस्तों मैंने इसको खोला नोजल, तो मैंने इसको भी एक बार हमेशा चेक कर लेता हूँ। एक वीडियो भी मैंने इसके बारे में बना दी थी कि इसको आप हमेशा चेक कर लें। यमा हुआ काट के निकाल दे, तो एक तरफ इसमें जैसे हवा डालोगे ना तो दिक्कत आती है इसमें फूंकने में। कहाँ जाइए घर ये जाम है, मतलब हवा दे रहा है पर उतनी ज़्यादा हवा नहीं दे रहा जितनी देना चाहिए। अब जैसे हम इंजन की स्पीड बढ़ाते हैं ना तो तेल की सप्लाई भी ज़्यादा होती है, तो बाकी तेल जाता है कुछ नोजल में, बाकी सब यहीं पे अटक जाता है। यही मंगा ली, मंगाऊंगा यही निकाल दे, सुन ले। तो दोस्तों मैं ये जो है ना ये रही पुरानी वाली, ये और ये रही नई वाली। तो एक बार मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको इसमें लगा के एक बार चेक करवा के दिखा देता हूँ आपको कि ये जब जाम हो जाती है ना तभी ऐसी, मतलब नोजल ऐसा लगेगा कि तेल दे रहा है पर वो जाम हो जाता है। ये देख सकते हैं तेल, ये अब कितना तेल देने लग गया। पहले जो है वो जाम था, तो मतलब हल्का सा जाम था, ज़्यादा जाम नहीं था, तो तेल बाहर तो दे रहा था। जैसे लोड ज़्यादा तेज घुमाते थे इंजन को, वैसे ही मतलब नोजल में एक कट कट का साउंड आने लग गया, लग जाता था। तो वो नोजल का साउंड नहीं होता, वो साउंड होता है पंप का। जो पंप का तेल होता है ना वो मतलब फिर बैक होने लगता है, तो डिलीवरी वाल से नीचे जाता है, तो वो साउंड होता है कट कट का। तो इसके बाद मैंने इसको टाइट कर लिया, थोड़ा सा नोजल हम बाहर ही चेक कर लेंगे। हालांकि नोजल का नया लगाया था उसने, अब ठीक है। बस ठीक, अब ये नोजल का एक साउंड सुन सकते हो और स्प्रे जो है बिल्कुल बेहतरीन हो गया। और अभी मैं स्टार्ट करने के बाद हल्का सा और टाइट कर दूंगा, जिससे मतलब देखूंगा इंजन अगर अप डाउन हो रहा है तो उसको और टाइट करूंगा हल्का सा। अगर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी स्प्रे का बढ़िया साउंड भी आप नोजल का सुन सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इंजन पूरे देखा, हाथ ना आगे लगाया था मेरा ने। Thank you.
इंजन जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों दिक्कत यही थी, ये जो जाम हो गया था, तो जब ये भी जाम हो जाता है तो आप समझ सकते हैं यहाँ से एक कट कट का साउंड आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब जाम कट कट का साउंड आ रहा है, वो यहाँ से नहीं होता, वो ऐसे यहाँ से होता है। तो बढ़िया था दोस्तों, और दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्ध विलास रायकवार। दोस्तों जैसा कि ये इंजन बता रहे हैं मुझे कि दो तीन मतलब चला है, इसके बाद फिर जो है मतलब चला है और अपने आप इंजन जो है ना बंद हो गया है। तो ऐसे अब हैंडल अभी आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, तो मैंने जब इसका कंप्रेसर चेक किया है तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ, ये आप यहाँ पे एक साउंड मतलब जो ये है वापसी वाला, तो ऐसे यहाँ पे देखना, शायद आप साउंड सुन सकते हैं यहाँ से। मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे जब गैस्केट फट जाती है ना, तो ऐसे यहाँ से धुआं वगैरह देने लगता है ना वापसी से, तो वैसा ही शायद एयर ले रहा है यहाँ से। तो देखते हैं क्या है, मेरे हिसाब से तो इसकी गैस्केट फट गई है, पर अभी हैंडल है नहीं, तो हैंडल आता है फिर देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। नोजल का साउंड आप सुन सकते हैं, स्टार्ट करा बंद ही जाते का नोजल, चालू करा बोले देखी बात, चालू करा देखी। यार ये तेल नहीं पाव बुद्धू, मैं ये निकाल था तो एक दब करा थो इसे, मैं हाथ लगाऊं फिर नोजल में वो छोड़ दिया था, वो बंद जाते हैं नोजल। बंद जाते हैं, एयर वादा लगा है, एयर निकालते हैं पहले इसका। फिल्टर कहाँ है इसका? दोस्तों आपने देखा यहाँ से भी धुआं दे रहा था और यहाँ से भी धुआं दे रहा था, इसका मतलब जो गैस्केट है वो फट गई है इसकी। तो ये गैस्केट यहाँ पे है, तो खोल के सब कुछ डालना पड़ेगा। हालांकि अभी चल रहा है इंजन, स्टार्ट है, इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, पर यही है कि यहाँ पे धुआं आने लग गया है, और वहाँ से यहाँ पे धुआं पंखा से यहाँ से आता है, ब्लॉक से होते हुए इसमें चला जाता है ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कैसे धुआं आ गया, और यहाँ से भी धुआं दे रहा था, तो मैं समझ गया था कि ये गैस्केट जो है फट गई है। तो देखते हैं अगर गैस्केट चेंज करते हैं, अभी तो जाना पड़ेगा मार्केट।